मित्रों, अखबार के पन्नों के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज के सबसे बड़ी खबर में टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने फ्रंट पेज पे छापा है, 11 किल्ड इन प्री डॉन डिजास्टर एज गैस लीक्स एट वाइजाग प्लांट। अब इसमें कुछ शब्दों पे हम चर्चा करते हैं। पहला शब्द है प्री डॉन। प्री डॉन को अगर हम हिंदी में देखेंगे तो रात के चौथे पहर लिखना यहाँ ज़्यादा उचित होगा। अब हम इस हेडिंग का अगर अनुवाद करें तो वह अनुवाद इस तरह से आएगा, रात के चौथे पहर विशाखापट्टनम में गैस रिसाव की एक दुर्घटना में 11 लोग मृत। अब यहाँ मैंने चौथा पहर क्यों प्रयोग किया यह जानने वाली बात है। यह जो दुर्घटना हुई है वह सुबह 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में हुई है। आप हिंदी भाषा में यदि देखें तो 2:30 बजे से 3 बजे का जो समय होता है, 2:30 से लेकर के 4 बजे तक का जो समय होता है, उसे रात्रि का चौथा पहर कहा जाता है। और इसलिए प्री डॉन के लिए रात्रि का चौथा पहर प्रयोग होना बहुत ही उपयुक्त है। अब यहाँ देखिए दो शब्द और प्रयोग हुए हैं, बुक्ड फॉर। बुक्ड फॉर का मतलब होता है कि उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया। और उसके बाद अगला शब्द आता है कल्पेबल होमिसाइड। होमिसाइड का अर्थ होता है मनुष्य की हत्या और कल्पेबल का मतलब होता है गैर इरादतन हत्या, अर्थात उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। आज से 30 वर्ष पहले 2 से 3 दिसंबर 1984 में इसी प्रकार की दुर्घटना भोपाल में हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था और यह कहा जाता है कि इसमें 30,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। यहाँ जिस गैस की बात की जा रही है उस गैस का नाम है स्टीरिन। स्टीरिन बेंजीन से निकाला हुआ एक रसायन है जिसका प्रयोग पॉलीप्रोपिलीन या इस तरह के उद्योगों में किया जाता है। अब इसका रासायनिक विश्लेषण अगर हम देखें तो इसमें कार्बन के 8 कंपोनेंट और हाइड्रोजन के 8 कंपोनेंट होते हैं। इसका घनत्व 0.909 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब होता है और इसका गलनांक है -30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक है 145 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही यह उबलता है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अब हम दूसरे खबर की ओर अगर देखें तो इसमें है इंडिया में है ब्लंटेड पीक नॉट स्पाइक, एम्स चीफ। अब यहाँ जो AIIMS है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसको हिंदी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहते हैं। और यह जो शब्द है ब्लंटेड पीक, यह एक नया शब्द बनकर उभरा है। अब इन शब्दों की यदि हम व्याख्या करें तो ब्लंटेड अर्थात ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है कुंद और पीक का अर्थ होता है चोटी या शिखर। पर यहाँ इस वाक्य में इसके प्रयोग का क्या प्रयोजन है यह जानना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी। इस शब्द का प्रयोग फ्रेज के रूप में किया गया है और यदि हम इसकी व्याख्या करें तो इसका अर्थ यह निकल करके आता है कि शिखर पर तो जाएगी बीमारी पर उसका प्रभाव कम होगा। इसके लिए हम नियंत्रित प्रसार शब्द दे सकते हैं। अब हम अगले शब्द को देखें। अगला शब्द है स्पाइक। स्पाइक का यदि शाब्दिक अर्थ निकालने का प्रयास करें तो इसमें कई अर्थ इसके आते हैं। स्पाइक का एक अर्थ कील भी होता है। अक्सर आप देखते होंगे जो एथलीट होते हैं उनके जूते के नीचे जो कील लगी होती है उसे स्पाइक का नाम देते हैं। यहाँ इस संदर्भ में हम इसे द्रुत प्रसार का नाम दे सकते हैं और द्रुत प्रसार का प्रयोग कर सकते हैं।